ये सब चीज हमने देख ली थी। ठीक है, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में हेल्थ क्या है, उसके कौन से पैरामीटर्स हैं, ये सारे हम देख चुके हैं और आप इसको लर्न भी कर चुके हैं आई होप सो। ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने देखे थे कि वस्तुत आप क्यों पढ़ रहे हैं, किन रीजन दैट में भी इम्पोर्टेंस दैट में भी ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स, जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो भी हमारे आचार्यों ने कहा है इसके बारे में कि वस्तुत आप से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं या आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन जनरल बात आवाज नहीं आ रही मैम। नेटवर्क इशू हो रहा है मैम थोड़ा। आवाज नहीं आ रही मैम। अभी आ रही है आवाज, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल नहीं है मैम, आवाज आ रही है बस। स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों को? यस मैम, विजिबल है। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी कि बेसिकली एक सिंगल यूनिट में जैसे हम किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, वैसे हम हेल्थ को डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज अ डायनामिज्म। ठीक है, और बहुत सारी डायमेंशंस भी हैं कि आप सिंगल एक डायमेंशन की फिजिकली अगर आप फिट हैं तो आप उसको हेल्दी बता देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत सारी डायमेंशंस पे आपको उनको देखना होता है, उसके बाद ही आप हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो WHO ने डेफिनेशन दी है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मैंने कहा था आप इसको लर्न कर लेंगे एज इट इज। उसके बाद हमने पॉजिटिव हेल्थ और स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के बारे में बात की थी। ठीक है, स्पेक्ट्रम जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, उसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं, एक आपकी न्यूट्रल लाइन से अपर स्टेट में और एक लोअर स्टेट में, जिनको रेड जो डिफरेंट रेज होती हैं उन्हीं को उसी के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करते हैं कि कौन से आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं या इंफ्रारेड रेज हैं, तो उस तरीके से उनको आप सेपरेटली बताते हैं। वैसे सिमिलरली स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ की बात करें तो इसमें आपका हाइएस्ट पॉइंट पॉजिटिव हेल्थ होता है और लोएस्ट पॉइंट आपका डेथ होता है। उसी को जैसे ये इमेज जो थी, मैंने कहा था आप इमेज को एज इट इज लर्न कर लेना। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस की बात आती है। तो डायमेंशन क्या है, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी डायमेंशंस पे हमें देखना होता है हेल्थ को। ठीक है, एक सिंगल यूनिट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके सराउंडिंग का एनवायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ को, आपका जो इंटरनल एनवायरमेंट है, आपका जो एक साइकिक एबिलिटी है वो भी इन्फ्लुएंस करती है हेल्थ को। ठीक है, फिजिकल एनवायरमेंट है, यानी कि अगर बाहर के एनवायरमेंट में कोई चेंजेस होती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है या ठंड बढ़ गई है या जो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। तो इस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस पे आपको हेल्थ के को असेस करना होता है। ठीक है, WHO की जो हमने अभी डेफिनेशन देखी थी, वहाँ पे उन्होंने तीन डायमेंशंस की बात की है, बेसिकली फिजिकल, मेंटल और सोशल। इसके अलावा भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जिनको हम अभी देखेंगे। ठीक है, जैसे इस फ्लो चार्ट में बताया हुआ है ना कि सेंटर में डायमेंशन ऑफ हेल्थ फिजिकल और मेंटल डायमेंशन है, फिर आपकी सोशल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है, इमोशनल और वोकेशनल डायमेंशन है, कल्चरल डायमेंशन है, फिलोसॉफिकल डायमेंशन है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं जिन पे आपको हेल्थ को देखना होता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फिजिकल डायमेंशन के बारे में, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो फिजिकल डायमेंशन को सबसे ईजिएस्ट वे में आप समझ सकते हैं, आपको पता है फिजिकली अगर कोई बंदा परफेक्ट है तो इसका मतलब वो फिजिकली हेल्दी है, या फिजिकल डायमेंशन पे जो हेल्थ के पैरामीटर हैं वो उसको फुलफिल करता है।
ठीक है, तो इसमें क्या है कि बेसिकली फर्स्ट आपके एज पर अपियरेंस, ठीक है, दर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दर्शन स्पर्शन पर्शनाइष्ट, ऐसा ऐसा करके जो आपने परीक्षा पढ़ी है उसमें से जो दर्शन से जो चीजें आप असेस कर सकते हैं वो आपकी फिजिकल डायमेंशन में आती है। हालांकि इसमें कुछ एक जो आपके स्पर्शन वाले और जो आपके प्रश्न वाले जो हैं उसमें भी कुछ चीजें इसमें आती हैं, बट सबसे ज्यादा है कि जो आप सामने से देख सकते हैं, ठीक है, जैसे क्लियर स्किन कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, ब्राइट आईज हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है जो प्रभा और वर्ण आप पढ़ के आए हैं वो वाला कॉन्सेप्ट, इसमें कलर ऑफ द स्किन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी कि एज पर अपियरेंस कैसा है, वो हेल्दी है या नहीं है। लस्टरस हेयर इसका मतलब, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे ना, देन यू विल गो थ्रू इट कि डिफरेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में हेयर्स का टेक्सचर चेंज हो जाता है, स्किन का जो टर्गर है, अपियरेंस है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जो कॉम्प्लेक्शन है वो गुड होना चाहिए, ब्राइट आईज होनी चाहिए, ठीक है, लस्टरस हेयर, बॉडी विद फर्म फ्लैश, ठीक है। फर्म फ्लैश में मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपकी फिजिकल डायमेंशंस में बाकी आपके जो पल्स रेट है, ब्लड प्रेशर है, एक्सरसाइज टॉलरेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जो हमने आयुर्वेद की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, आरोग्य के लक्षण, स्पेसिफिकली जो चरक और सुषुप्ति के जो लक्षण है वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं इसमें, ठीक है। उस कैसे करेंगे आपका फिजिकल कौन से जो पैरामीटर्स हैं या जो पर्टिकुलर पर्सन है वो फिजिकली हेल्दी है या नहीं है, तो फर्स्ट होता है सेल्फ असेसमेंट कि आप पर्टिकुलर पर्सन का जो खुद की अपने आप के लिए परसेप्शन है दैट ही और शी इज फीलिंग हेल्दी और नॉट, ठीक है, तो वो उसकी सेल्फ असेसमेंट होगी। उसके बाद आपकी बायोकेमिकल और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट में जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा ना, लस्टरस हेयर, कॉम्प्लेक्शन इज गुड और नॉट, ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ असेसमेंट में आ जाती हैं। बायोकेमिकल और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आ जाती हैं आपकी जो अभी आपने देखा, जस्ट पहले लिखा हुआ है आपका बीपी है, पल्स रेट है, आपका हीमोग्लोबिन है। इसके अलावा बायोकेमिकल असेसमेंट जो जनरल पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है, उससे कम या ज़्यादा तो नहीं है, लाइक आपकी फंक्शनिंग के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट बताया गया है, या और जो बाकी के जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं पर्टिकुलर फंक्शनिंग को असेस करने के लिए वो आपकी आ जाती हैं बायोकेमिकल और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में, ठीक है। उसके बाद आता है क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट में जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का, रेस्पिरेटरी डिजीजेस का, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में होने वाले जितने भी साइन सिम्टम्स हैं अगर वो एब्सेंट हैं तो इसका मतलब है पर्टिकुलर पर्सन हेल्दी है। सिमिलरली कार्डियोवास्कुलर को लेके कि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या कोई और इशूज तो नहीं है, पैल्पिटेशन तो नहीं है, ठीक है। आप लोग अभी पैथोलॉजी में पढ़ के आए होंगे ऑस्कल्टेशन का जो प्रोसीजर होता है उसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई एडेड साउंड्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इशू है, दैट में भी स्ट्रक्चरल यूनिट, दैट में भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, तो उनको असेस करना होता है ताकि हम असेस कर पाएँ कि पर्टिकुलर पर्सन फिजिकली हेल्दी है या नहीं है। सिमिलरली रेस्पिरेटरी डिजीजेज के लिए अगर आप चेस्ट ऑस्कल्टेट करते हैं या फिर अगर रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं तो उससे आप असेस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन फिजिकली हेल्दी है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था। बेसिकली दीज आर मेजरमेंट्स, जैसे हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि इस पर्टिकुलर एज पे इस पर्टिकुलर मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, आपका हेड सर्कमफेरेंस स्पेसिफिक होना चाहिए, तो वो जो वैल्यूज हैं वो आपकी अगर नॉर्मल रेंज में आती हैं इसका मतलब आप यू आर या जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो फिजिकली
फिजिकली हेल्दी हैं। उसके बाद न्यूट्रिशनल असेसमेंट होती है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हम असेस करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसमें कोई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स तो नहीं है, या किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट से डेफिशिएंसी से उसके साइन सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन डेफिशिएंसी, आप लोगों को पता होगा कि जो भी हम नमक लेते हैं दैट मस्ट हैव टू बी आयोडाइज्ड, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे फोर्टिफाइड विद आयोडीन ऐसा करके एक मार्क बना हुआ होता है। पहले क्या होता था कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे आयोडीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बेसिकली थायराइड फंक्शन की हेल्प आउट करता है, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए सबसे ईजिएस्ट मेथड हमने ढूंढा कि सबको एक जो मिनिमम अमाउंट या जितनी हमारी ट्रेस अमाउंट में आयोडीन चाहिए होता है उससे उस पर्टिकुलर, जैसे हम नमक थोड़ी कम अमाउंट में खाते हैं, ठीक है, तो उसको उससे फोर्टिफाइड कर दिया गया। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी न्यूट्रिशन ऐड करना एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखते होंगे फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, फोर्टिफाइड विद विटामिन ई, उसका मतलब ये होता है कि जो उसका बेस है उसमें बाकी के न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं ताकि हमें स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। चलो दैट इज़ अ सोल्यूशन फॉर डिजीजेज, सॉरी डेफिशिएंसी। अभी हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट की, तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट उनके डेफिशिएंसी का जो भी इश्यूज रहते हैं, ठीक है, उनसे असेस किया जा सकता है कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर है या नहीं है। इस तरीके से हम फिजिकल डायमेंशन को असेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेंटल डायमेंशन, ठीक है। फिजिकली जैसे हम सामने से देख सकते हैं वैसे ही जो मेंटल डायमेंशन है उसको हम असेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर से लेके, उसके रिस्पॉन्स से लेके, ठीक है, और उसकी एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट को लेके, ठीक है। मेंटल डायमेंशन या मेंटल, इसकी हम ये नहीं कहते कि सिर्फ डेफिशिएंसी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर उसका मतलब होता है कि या इलनेस जो भी होता है, लेकिन इसमें इंक्लूजन होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन, जैसे हमने वहाँ कहा ना प्रसन्न आत्मेंद्रिया मनः, ठीक है, या फिर अव्याप्ति करके जितने जो स्पेसिफिक वर्ड आया था कि जो भी उनके जो मन के आत्मा के या इंद्रियों के जो भी विषय हैं उनमें कोई भी व्याप्ति ना हो, यानी कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब पर्टिकुलर पर्सन मेंटली हेल्दी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस एंड अ स्टेट ऑफ बैलेंस विद सेल्फ एंड सराउंडिंग, यानी कि जो हमने कहा ना दाता समा सत्य परह, ठीक है, तो जो समता वाला कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि वो बैलेंस कंडीशन में है कि दुख है सुख है, तो ऐसी कंडीशन में जो बैलेंस रहता है उसको समावस्था कहते हैं हम ये मेंटल लेवल पे, ठीक है। या फिर जो हमारे धारणीय वेग कहे गए हैं उनको धारण कर लेते हैं तो वो भी आपकी समता की अवस्था होती है, बैलेंस कंडीशन होती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को कहा गया है कि सेल्फ के लिए भी और सराउंडिंग के लिए भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको हम मेंटली हेल्दी कह सकते हैं। इट इज़ अ मेजर डायमेंशन इज रोल इन द ओवरऑल हेल्थ बिकॉज मेंटल इलनेस कैन कॉज फिजिकल इलनेस एंड वाइस वर्सा, जिनको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कि साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस होती हैं वो लेटर ऑन सोमेटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो सोमेटिक कंडीशन होती है वो लेटर ऑन आपकी इसमें फिजिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे आप लोगों को अगर याद हो सूत्र स्थान में आप पढ़ के आए हैं कि जो आगंतुज व्याधियां होते हैं वो शारीरिक दोष या जो दोषों को इम्बैलेंस करके शारीरिक में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, थीके? तो वही सेम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में काउंट होता है। ड्यू टू लैक ऑफ अनक्लियर साइंटिफिक फाउंडेशन ऑन मेंटल हेल्थ देर इज नो प्रिसाइज टूल्स फॉर मेंटल हेल्थ असेसमेंट, ठीक है, ऐसे कोई स्पेसिफिक टूल्स नहीं है हमारे पास असेस करने के लिए। करेंगे वी डन विद द हेल्थ ऑफ हेल्थ क्वेश्चनेयर, ठीक है। स्पेसिफिकली एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर्स होते हैं जिनमें आपको वन टू वन कॉन्वर्सेशन भी होती है, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिकली फॉर्म भी फिल किए जाते हैं, मेल के थ्रू पूछा जाता है, इंटरव्यूइंग मेथड होते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्वेश्चनेयर्स को फिल करने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली मेंटल असेसमेंट के लिए क्वेश्चनेयर होता है, एक जो स्टैंडर्ड मेंटल असेसमेंट क्वेश्चनेयर होता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप स्पेसिफाई करके अगर ऐसे ढूंढेंगे तो जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइकेट्री है उन्होंने ऐसा क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया हुआ है, तो उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जैसे डिजीजेस को लेके हैं कि अगर आपको एक साल से ज़्यादा पेन होता है या बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस होती है और इसके साथ साथ में आपके जो बाकी की जो जनरल असेसमेंट है वो अगर नॉर्मल है तो उसके अलग पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप मेंटल डिसऑर्डर्स को असेस कर सकते हैं जिसमें आपका से लेके आप
डिप्रेशन, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली मेंटली हेल्दी पर्सन को असेस करते हैं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री हैं, यानी कि मन में द्वंद्व की स्थिति नहीं है कि ऐसा करना है कि नहीं करना है, जो इंटरनली हमारे अंदर होता है ना। देखो, थोड़ी देर के लिए अगर होता है तो उसको हम यूस्ट्रेस में काउंट करते हैं, यानी हमारे लिए वो बेनिफिशियल है जो हमें अलर्टनेस कॉज करता है, ठीक है। लेकिन अगर वही लंबे टाइम तक चलता रहे तो हम उसको डिस्ट्रेस में काउंट करते हैं जो लेटर ऑन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है। इसीलिए मेंटली हेल्दी वो है जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री है। पर्सन इज well adjusted with others and can bear criticism and don't get upset, ठीक है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से जो upset ना हो वो आपका mentally healthy condition में आता है। possesses good self-control, ठीक है। good self-control का मतलब है कि कोई भी अगर condition है जो favorable नहीं है, ठीक है, उनमें वो अच्छे से खुद पे control कर सके। जैसे suddenly कुछ लोग burst out हो जाते हैं तो आपका abnormal mental health की category में आता है। Had sense of good self-esteem and search for the identity. अगर ये सारे parameters वो possess करता है तो इसका मतलब वो mentally healthy है। Next आता है आपका social dimension. Social dimension आप जब आप चरक पढ़ के आए थे तो वहाँ पे भी आपने सद्व्रत या सदाचार वाले जो principles बताए गए हैं, ठीक है, या इंद्रिय उपकर्मणी अध्याय में भी कुछ section में जो बाद में lifestyle किस तरीके से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो ये आपको सराउंडिंग में किन के साथ बात करनी चाहिए, किन का आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो बेसिकली सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है इट इंडिकेट्स टुवर्ड हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी मेंबर्स, यानी आप अपने साथ के साथ साथ जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनके साथ में किस तरीके से आप डील करते हैं, ठीक है, वो आप असेस करता है आपकी सोशल डायमेंशन को, ठीक है। तो बेसिकली यू मस्ट हैव टू बी इन हार्मनी, ठीक है। उसके बाद में कहा है, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, कितना आप समाज के लिए कर पाते हैं या कितना आप सामाजिक ग्रोथ के लिए आप इन्वॉल्व हो पाते हैं, वो आपका सोशल डायमेंशन असेस करता है। इट आल्सो पोजेसेस सोशल स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, सोशल फंक्शनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोसाइटी एट लार्जर स्केल, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि सामने वाला जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो सोसाइटी के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है और वो किस तरीके से उसका एक पार्ट रह के अपने लिए और सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो वो आपका आता है सोशल डायमेंशन में, ठीक है। इफ वन इज सोशली हेल्दी एंड वन कैन लिव इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट डेवलप हेल्दी सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करें तो बेसिकली जहाँ पे फिजिकल, मेंटल और सोशल को ट्रांजेंट करते हैं, वहाँ से जब अपर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे आता है आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। जैसे आप लोगों ने पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि बेसिकली आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, तो लास्ट में आपका मोक्ष आता है, ठीक है। तो मोक्ष क्या होता है बेसिकली कि अब आपका जो या जो अलग अलग आश्रम कहे गए हैं तो उसमें से जो लास्ट में संन्यास आश्रम है, तो वहाँ पे क्या है कि आप एक स्पेसिफिक लेवल पे आ गए हैं, उसके बाद यू जस्ट हैव टू गेट अबोव फ्रॉम इट, ठीक है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन को बेसिकली डिफाइन करना है बिकॉज इट्स इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि ये हमारे पास क्या है, कैसे आप उसको असेस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इट ट्रांसेंड्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल, इट ऑल्सो पर्पज ऑफ लाइफ दैट इज इंटेंजिबल। जैसे हर किसी को होता है ना, जैसे हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष को आप कैसे डिफाइन करोगे, यू कांट डिफाइन मोक्ष। हालांकि कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं चरक संहिता शारीरिक स्थान में कि कौन सी कंडीशन होगी तो आप उसको मोक्ष कहेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो टेंजिबल नहीं है, वो आपके पास इन हैंड कोई चीज़ आप दिखा नहीं सकते हैं कि अगर ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इट इंक्लूड्स इंटीग्रिटी, एथिक्स, कमिटमेंट टू द हायर बींग, सेल्फ ग्रोथ, समथिंग बियॉन्ड मटीरियलिस्टिक डिजायर्स विच कॉजेज अटैचमेंट्स। यानी कि बेसिकली क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना विमुक्ता अवस्था या मुक्ति की अवस्था, तो वो जो चीज़ें हैं यानी अटैचमेंट से दूर हो जाना, दैट कम्स अंडर स्पिरिचुअल डायमेंशन। इट ब्रिंग्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू द सेल्फ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल डायमेंशन। देखना, इमोशनल डायमेंशन इज अ सेपरेट थिंग और मेंटल डायमेंशन इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। मेंटल डायमेंशन में हमने अलग चीज़ों को देखा था और यहाँ पे इमोशनल डायमेंशन, इट रिलेट्स विद द फीलिंग्स,
ठीक है, वहां पे आपकी मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपके कॉग्निशन की बात हो रही है, ठीक है, नोइंग कॉग्निशन, इन इन चीजों में, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस है, आपको सेपरेटली इन दोनों को देखना पड़ेगा. इट कैन बी असेस्ड विद वंस बिहेवियर इन कंट्रोलिंग हिज फीलिंग एंड मैनेज देम विदाउट एनी हसल. हालांकि वहां पे भी सेल्फ कंट्रोल की बात की थी, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं फीलिंग्स के बारे में और उनको मैनेज करने के बारे में विदाउट एनी हसल्स. कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेनेंस ऑफ प्रायोरिटीज, मैनेजिंग चेंजिंग सिचुएशंस इन लाइफ कैन बी कंसीडर्ड एज इमोशनली हेल्दी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वोकेशनल या ऑक्यूपेशनल, यानी कि आपका जो जहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आप वो काम करते हैं, उस एनवायरनमेंट के साथ में आपका कैसा बिहेवियर है, कैसे आपने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, क्या आपका रिस्पॉन्स है, वो आपका आता है वोकेशनल में. ठीक है, तो इट इज़ अ न्यू डायमेंशन ऑफ हेल्थ. बींग इंडिविजुअल इज इफेक्टेड बाय द वर्किंग एनवायरनमेंट. इफ वन इज फुली अडेप्टेड विद द वर्किंग एनवायरनमेंट, ही और शी कैन बी हेल्दी बोथ फिजिकल एंड मेंटली. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लंबा टाइम उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ में गुजारते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है कि जो वहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. लाइक आपने अपने काम को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया है, आप उस एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं है, तो धीरे धीरे जो भी आपका एक मेंटल बर्डन क्रिएट होगा, यू या जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, ही और शी विल नॉट बी मेंटली हेल्दी. उसकी वजह से क्या होगा, सोमेटिक कंडीशंस अराइज हो जाएंगी. तो बेसिकली अगर एनवायरमेंटल कंडीशन प्रॉपर नहीं है तो वो बाकी के जो डायमेंशन है उन पे इफेक्ट डालेगी, और इसकी वजह से जो हम एक कंप्लीट हेल्थ की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से हम एक वेलबींग की जो बात कर रहे हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा कुछ एक और डायमेंशंस होते हैं, लाइक फिलोसफिकल डायमेंशन है, आपका कल्चरल डायमेंशंस हैं. फिलोसफिकल जो स्पेसिफिक फिलोसफीज होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं. कल्चरल में स्पेसिफिक कल्चर की कुछ चीज़ें होती हैं जो हेल्थ को इफेक्ट करती हैं. जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल में, जैसे जैसे जैनीज का जो कल्चर है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ जो जैनीज होते हैं वो आपका मिल्क भी इनटेक नहीं करते हैं, ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन नहीं लेते हैं, तो बाकी की चीज़ें नहीं लेते, तो उनसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अराइज हो जाते हैं. ठीक है, हालांकि उनमें कुछ भी कुछ चीज़ें हैं जो उनका अल्टरनेटिव्स हैं, बट इट जस्ट टू से कि कल्चरल डायमेंशंस है. या फिर कल्चर्स की बात करें तो जैसे नॉर्थ इंडियन कल्चर इज टोटली सेपरेट फ्रॉम द साउथ इंडियन कल्चर. तो इस तरीके से अगर मर्जिंग होती है, तो उसमें अगर आप अडेप्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है कल्चर्स को लेके, तो उस कंडीशन में जो हेल्थ है वो इन्फ्लुएंस होती है. ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल डायमेंशन. ठीक है, जो हम ऋतु की बारे में बात करते हैं कि अगर आपका जो ऋतु अनुसार आहार विहार चेंज नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में यू विल नॉट बी हेल्दी, तो वो एनवायरमेंटल डायमेंशन में है. एजुकेशनल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन में एक जो फर्स्ट फैक्टर है जो आपका एजुकेशनल एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट में भी आ जाता है. दूसरा, जो भी उसकी प्रोडक्टिविटी या फिर ठीक है, उसका क्रेडिबिलिटी कितनी है, जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसका, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है. उसके बाद न्यूट्रिशनल डायमेंशन है, जो हमने न्यूट्रिशन की बात की. क्यूरेटिव डायमेंशन है, प्रिवेंटिव डायमेंशन है. इस तरीके से हम बहुत सारे डायमेंशंस को लेके हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो फिजिकल डायमेंशन हमने देखी, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इमोशनल, वोकेशनल. इसके अलावा जो बाकी के डायमेंशन लाइक कल्चरल है, फिलोसॉफिकल है, या एनवायरमेंटल है, जो हमने अभी लास्ट में देखा, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. जब इन डायमेंशंस पे हम को अचीव कर पाते हैं, या एक तरीके से पॉजिटिवली उनको असेस करके हम उसको ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाते हैं, तो कंप्लीट हेल्थ को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. ठीक है, फिजिकल हेल्थ, उसका इवेल्युएशन, मेंटल हेल्थ, उसका इवेल्युएशन, उसके बाद सोशल हेल्थ, फिर स्पिरिचुअल या डायमेंशन, एंड लास्टली दीज आर जस्ट फ्यू अदर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेल्थ. हेल्थ के बाद में हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है वेलबींग का, जो उससे भी अपर स्टेट ऑफ लेवल है. ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, वो भी बहुत सारा फोकस कर रही है वेलबींग पे, इसीलिए बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स ओपन हुए हैं. ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पीछे जब रिक्रूटमेंट्स हुई थी तो डिफरेंट वेलनेस सेंटर्स पे हुई थी. अगर आप सेंटर लेवल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. रेदर आयुष डिपार्टमेंट के भी डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं.
तो वेलबींग को, जैसे हेल्थ को आप स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे वेलबींग को भी नहीं डिफाइन कर सकते. लेकिन स्पेसिफिकली सिंगल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली अगर बात करें कि इकट्ठा किस चीज़ को आप वेलबींग कहेंगे, तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव इमोशंस. ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस की जो प्रेजेंस है उसको आप कह सकते हैं. हमारे यहाँ पे जैसे आयुर्वेद में कहा गया ना, प्रसु प्रसन्न इंद्रियतम सुख स्वप्न प्रबोधकम. ठीक है, तो ये दीज आर पॉजिटिव इमोशन. या फिर जैसे आप लोगों ने देखा है कि जितने इंद्रिय प्रसन्न प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपका समवेयर समहाउ आपका वेलबींग से रिलेट करता है. यानी कि पॉजिटिव इमोशंस आर देयर, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इमोशन, सेटिस्फेक्शन. ठीक है, जो हमारे यहाँ पे समता की अवस्था कही गई है, दाता सम सत्य परह, जो हमने पीछे अभी देखा. तो जो आपके सेटिस्फेक्शन और पॉजिटिव फंक्शनिंग, ठीक है, इट कैन बी कंसीडर्ड इन डिफरेंट सेक्शंस एज डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. तो बेसिकली कलेक्टिवली बात करें, वेलबींग किसको कहेंगे, तो वेलबींग है बेसिकली आपका प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इमोशन, सेटिस्फेक्शन एंड पॉजिटिव फंक्शनिंग. ठीक है, तो इनको आप एज अ वेलबींग डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसमें दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स या ऑब्जेक्टिव मैनर में आप इसको बता सकते हैं. ठीक है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग. जैसे आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपका इंडिविजुअल है. ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव हैं, वो चीज़ हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए है, तो वो मेरे लिए इट्स अ काइंड ऑफ, या इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग फॉर मी. ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव जो स्पेसिफाई करके हमने क्राइटेरिया बना दिया है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये आपका पॉजिटिव हेल्थ में आ जाती हैं या फिर आपकी वेलबींग में आ जाती हैं. ठीक है, तो इसमें जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें आपका आता है फिजिकल वेलबींग, इकोनॉमिक वेलबींग, सोशल वेलबींग. जैसे हमने डायमेंशंस पढ़ी थी, वैसे ही सिमिलरली आपका टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी अगर बात करें. ओहो, फिर से हो गया. बेटा अभी स्क्रीन विजिबल है, बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया था. यस मैम. ओके, ठीक है, तो आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैनर्स के अकॉर्डिंग हम वेलबींग को सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं. और अगर साइकोलॉजी के टर्म्स की बात करें, तो वेलबींग इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, एक्सपीरियंस किस चीज़ का, हेल्थ का, प्रॉस्पैरिटी का, गुड मेंटल हेल्थ का, सेटिस्फेक्शन का, पर्पज़ ऑफ लाइफ एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. ठीक है, वेलबींग पे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग भी इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट. तो वेलबींग के बारे में आपको पता होना चाहिए. क्यों हमारे लिए वेलबींग इम्पॉर्टेंट है? तो वेलबींग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव आउटकम दैट इज मीनिंगफुल फॉर पीपल एंड फॉर मेनी सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी. बिकॉज इट टेल्स अस दैट पीपल परसीव दैट देयर लाइफ आर गोइंग वेल. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ना इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. इसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं. ठीक है, तो वेलबींग हमें बताता है बेसिकली जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं. सपोज गवर्नमेंट एक वेलबींग इंडेक्स होता है PQLI, तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग हम असेस करते हैं जो पर्टिकुलर कंट्री है उसकी ग्रोथ कैसी है. ठीक है, तो वो ग्रोथ असेस करने के लिए वो बेसिकली वेलबींग का ही एक
एक तरीके से बात करें तो उसी की सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी में जो भी पर्सन है उसकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल है या नहीं है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ है या नहीं है, ठीक है, वो जानने के लिए हमारे पास वेलबींग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वेलबींग बेसिकली इंक्लूड करता है ग्लोबल जजमेंट ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन, जैसे मैंने अभी बात की ना PQLI जो होता है हमारा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो होता है, ठीक है, तो वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे उसकी असेसमेंट करने के लिए हमारे पास वेलबींग का कॉन्सेप्ट बताया गया है। वेलबींग इज अ वैलिड आउटकम बियॉन्ड इकोनॉमिकल स्टेटस, मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। आपका जो जीवन मृत्यु दर और ये जो इकोनॉमिक स्टेटस, जो GDP वगैरह जो होती है, इनसे टोटली सेपरेट है, इनका अलग चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है, जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, वो आपका वेलबींग की फॉर्म में आप ओवरऑल पॉपुलेशन पे शो होता है। इट इज़ रिलेटेड विद वेरियस फैक्टर्स, कौन सी चीज़ें वेलबींग को रिलेट करती हैं, जॉब है, हेल्थ है, फैमिली है, ठीक है, ये डिक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज पे, मतलब इसका जो आउटकम होगा डिजीजेज डिक्रीज हो जाएंगी, अगर वेलनेस प्रॉपर है तो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ होगी, ठीक है, बेटर इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून फंक्शन प्रॉपर होगी, इसकी वजह से क्या होगा कि जो वर्क प्लेस है उस पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर बेटर हेल्थ है तो उसके लिए असेसमेंट पैरामीटर्स दिए गए हैं, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की हेल्थ, मतलब जो भी उनकी एक तरीके से जो वर्किंग ग्रुप है, अगर उसकी हेल्थ प्रॉपर है तो उस कंडीशन में उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूशन भी उनका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सेल्फ से भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्दी हैं तो आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को आप ग्रेस्प कर पाएंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, यू कैन गेन गुड मार्क्स और एंड यू कैन गेन बेटर एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि आपकी अटेंडेंस प्रॉपर रहेगी और एक्सपीरियंस प्रॉपर होगा तो लेटर ऑन इन जब भी आप सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल आयुर्वेद फिजिशियन, तो उस कंडीशन में आप क्योंकि आपने जो पीछे आपका जो वेलबींग था या जो एक हेल्थ थी वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाली थी, तो इसकी वजह से आपका जो आउटकम या फिर जो आपकी प्रोडक्टिविटी टूवर्ड सोसाइटी है वो आपकी ऑप्टिमम लेवल पे रहेगी, ठीक है। वेलबींग इज जो खुद आप तरीके से आप हेल्थ को परसीव कर रहे हैं, ये उससे एसोसिएट करता है, आपके हेल्दी बिहेवियर्स हैं, प्रोडक्टिविटी है, डिफरेंट फ्रेंड्स ऑफ लाइफ पे, सोशली कनेक्शन है आपका मेंटल और फिजिकल इलनेस के लिए, या जो फिजिकल इलनेस है उन सब चीज से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, ऐसा CDC ने कहा है। बेसिकली कम्युनिटी डिजीज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो उनका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपका ये हो गया वेलबींग। अब उसके भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आपको कंसीडर करना होता है लेवल ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, ठीक है, SOL या फिर LOL जो होता है। इट कैन बी मेजर्ड बाय अदर्स, जैसे आप दूसरे किसी को देख के उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को असेस कर सकते हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट। दूसरा होता है सब्जेक्टिव, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो आपकी खुद की एक्सपीरियंस है कि किस तरीके की लाइफ आप जी रहे हैं, आपका हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, वो आता है आपका सब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट्स को लेके, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली क्या है, ये रेफर करता है एक्सपेंडिचर को, कितना आप खुद के लिए या जो भी चीज़ें हैं आप खाने के लिए हैं, आपके रहने के लिए हैं, आपके जो सराउंडिंग का एरिया, कौन सी चीज़ें आपको चाहिए हैं, उन पे आप कितना खर्च कर पा रहे हैं, वो जो है वो डिसाइड होता है, या फिर वो एक तरीके से असेसमेंट होती है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, ठीक है। इसमें आपका लेवल ऑफ एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, जो आपका कंफर्टेबल जोन है मॉडर्न लिविंग स्टाइल लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक है, उसका जो एक्सपेंडिचर आप कितना कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की असेसमेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट है, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इसके एज पर डेफिनेशन आपको याद करना है, ठीक है। WHO ने एक डेफिनेशन प्रपोज की है, उसमें कहा गया है इनकम एंड ऑक्यूपेशन, स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, the level of provision of health, education, recreational services and other used by an individual as measure of socio-economic status and collectively called as standard of living. इसका मतलब हुआ कि आपकी इनकम कितनी है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, ठीक है, हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे जब हमारा सेपरेटली एक लैंड एंड हाउसिंग करके एक टॉपिक है कि आपका घर कैसा होना चाहिए, पर पर्सन के अकॉर्डिंग कितना आपका एरिया होना चाहिए,
ठीक है। इसके अलावा आपका जो घर में जो रूम्स हैं वो पर्टिकुलर जितने भी लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग कितने कितने रूम्स उनके लिए होने चाहिए, ऐसा करके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं हाउसिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो हाउसिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। सैनिटेशन और न्यूट्रिशन, ठीक है, सैनिटेशन का स्टैंडर्ड क्या है और आपका न्यूट्रिशन की इंटेक कितना है, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ, ठीक है, हेल्थ का असेसमेंट जो होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो कितने हेल्थ के जितने भी बेसिकली जो पॉपुलेशन है उसको कितने प्रोवाइड कर पा रही है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है। रिक्रिएशनल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट के लिए आप खुद पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एंड अदर्स यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ये जो है ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की जो मेजरमेंट होती है इनको इकट्ठे अगर बात करें तो ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। इस बेसिकली जो ये है मेजर एंड कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज पर कैपिटा जीएनपी ऑन विच स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स, ठीक है। ये दूसरों की जो दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके साथ में कंपेयर करने के लिए ये जो लेवल्स हैं वो बनाने की जरूरत होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की मेजरमेंट की नीड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेवल ऑफ लिविंग, आई गेस ज्यादा तो नहीं हो गया है आज के लिए, इतना ही रखें या फिर आगे कंटिन्यू करूं मैं? इतना ही मैम। बाकी लोगों को कंटिन्यू करना है या फिर मैं यहीं पे स्टॉप करूं? काफी है मैम। यस मैम, स्टॉप कर दो मैम अभी। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पहले आप लोग मुझे सुनाएंगे, उसके बाद मैं फिर आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। ओके। ये PDF भेज देना मैम आज ग्रुप में। हाँ ठीक है बेटा, मैं आज भेजती हूँ। ओके।